आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, अभी क्या निकाली थी आरएमएस वैल्यू किसकी, करंट की, अब किसकी निकालेंगे ईएमएफ की। फॉर्मूला नोट करें, आई की जगह ई कर लें, आई स्क्वायर डीटी की जगह ई स्क्वायर डीटी, डिनोमिनेटर में टाइम टी वन से टी टू। तो फिर से एक बार हमारी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ई को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ई नॉट स्क्वायर और टी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है टी बाई टू, टी से टी कैंसिल, आंसर वही आ गया ई नॉट बाई रूट टू। जैसे आई नॉट बाई रूट टू ऐसी ई नॉट बाई रूट टू या 0.707 ई नॉट। तो फॉर्मूला क्लियर है सबको, पॉइंट्स सबको समझ में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें, जब आपने एवरेज वैल्यू निकाली थी ना, सिंपल एवरेज, तो एवरेज के अंदर आपने कॉन्सेप्ट चार्ज का यूज किया था, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, तभी तो आधा साइकिल लिया था, आधे साइकिल में नेट आंसर जीरो आ रहा था। लेकिन अगर आप आरएमएस का फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपको हीट का इफेक्ट आ रहा है, आई स्क्वायर आर डी टी टाइप। तो ये जो आरएमएस वैल्यू है ये हीट का कॉन्सेप्ट यूज करती है, चार्ज का नहीं करती। क्यों? क्योंकि करंट चाहे राइट जाए, करंट चाहे लेफ्ट आए, तार तो गर्म होनी होनी है, तो हीट तो ऐड होनी होनी है। तो चार्ज को छोड़ के ये हीट पे काम करती है, इसलिए इसका आंसर कंप्लीट साइकिल पे कैन बी कैलकुलेटेड। और चार्ज को कंप्लीट साइकिल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, वह हाफ साइकिल पे करेंगे। ठीक है यहां तक?